आज हम गुजराती मेथी और बाजरी के वड़े बनाएंगे। ये वड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और आप इसे बनाकर हफ्ते भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में दिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मैं हूं हितल, मेरे किचन में आपका स्वागत है। वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच दही लिया है और इसके अंदर हम 2 से 3 बड़े चम्मच गुड़ मिलाएंगे। दही और गुड़ को हमें इस तरह से पहले ही मिक्स कर देना है ताकि गुड़ जो है वो दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम 1 कप मेथी की भाजी लेंगे। भाजी को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है, बारीक कट किया हुआ हरा लहसुन और अदरक का छोटा टुकड़ा लिया है। अब मिक्सर के बड़े वाले जार के अंदर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले मिर्च को छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे, हरा लहसुन डालेंगे और अदरक को भी छोटे से टुकड़ों में कट करके डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। ग्राइंड करते वक्त हमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है। अदरक यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ, इतना मैंने बचा कर रख लिया है। अब बिना पानी डाले इसे ग्राइंड कर लेंगे। मसाले में अभी हमें यहाँ पर चाहिए नमक, हल्दी पाउडर, अजवाइन और हींग। सभी का मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सबसे पहले एक नॉनस्टिक के अंदर हम 3 से 4 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रखेंगे। अब उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर को तेल के साथ मिक्स कर देंगे, इसकी वजह से वड़े का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसके अंदर हम अजवाइन डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच अजवाइन लिया है और 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर हम हींग भी डालेंगे। हींग और अजवाइन को इस तरह से तेल के साथ मिक्स करके डालने से वड़े में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हींग और अजवाइन का। अब इसके अंदर हम तिल डालेंगे। इस तरह तेल के अंदर तिल डालने से वड़े जब हम फ्राई करते हैं तो तिल निकलकर बाहर नहीं आते हैं। साथ में मेथी की भाजी डाल देंगे। भाजी को हमें 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेना है। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं और अगर लहसुन आपके पास हरा वाला नहीं है तो हम जो ड्राई लहसुन इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। अक्सर लोग वड़े बनाते वक्त मेथी की भाजी को ऐसी कच्ची ही डाल देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से मेथी की भाजी को भूनकर डालेंगे तो मेथी की भाजी का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर साथ में हम नमक भी डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। अभी मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब नमक डाला है। नमक डालने से मेथी की भाजी के अंदर से थोड़ा सा पानी छूटेगा। इसे हमें ऐसे ही रखना है, पानी को कम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भाजी हम आटे के साथ मिक्स करने वाले हैं। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब मेथी की भाजी का मिक्सचर ठंडा हो जाए तब हम इसे एक बड़े से बर्तन के अंदर निकाल देंगे। इसे आप थोड़ा ठंडा ज़रूर करें और बाद में ही वड़े का आटा लगाएं। अब हमने दही और गुड़ को भिगो के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही और गुड़ को आप पहले ही भिगो कर रख देंगे तो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 कप बाजरे का आटा लिया है और साथ में मैंने 1/4 कप गेहूँ का आटा लिया है। वड़े के अंदर गेहूं का आटा डालने से वड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बाजरे के आटे में ज़्यादा ग्लूटेन नहीं होता है तो इसकी वजह से हम इसके अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा डालते हैं। पहले अच्छी तरह से हम आटे को मिक्स कर लेंगे ताकि दही का और मेथी की भाजी का जो भी मॉइस्चर है वो आटे के अंदर मिक्स हो जाए। आप जितना बाजरे का आटा लें उसका 1/4 हिस्सा आप गेहूं का आटा लें। हमने यहाँ पर 2 कप बाजरे का आटा लिया है तो मैंने 1/4 कप गेहूं का आटा लिया था। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा लगाएंगे। मैंने अभी 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगाएंगे। दही के अंदर भी पानी होता है और हमने मेथी की भाजी को सौते किया था तो उसके अंदर भी पानी की मात्रा होगी तो उसके हिसाब से हमें इसके अंदर पानी डालना है। आटा हमें ज़्यादा नरम नहीं और ज़्यादा सख्त नहीं लेकिन मीडियम रखना है। जिस तरह से हम पराठे का आटा लगाते हैं उसी तरह से आटा लगाना है।
पानी की जो क्वांटिटी है वो दही के अंदर जितना पानी है और मेथी की भाजी में जितना मॉइस्चर है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। अभी मैंने आटा लगा लिया है और आटा लगाने के लिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं और आटे को हमें कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। आप ये आटा लगाकर 2 से 3 घंटे रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1 घंटा तो इसे रखना ही है। 1 घंटे बाद इसके हम वड़े तैयार करेंगे। अभी 1 घंटा हो चुका है, आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अगर आपको 1 घंटे के बाद लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप पानी डाल सकते हैं, अभी मैंने नहीं डाला है। अब चुटकी भर हम खाने का सोडा डालेंगे जिससे हमारे जो वड़े हैं वो बहुत ही नरम बनेंगे। सोडे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि सोडा हमें सिर्फ चुटकी भर डालना है, अगर ज़्यादा सोडा हो जाएगा तो आपके वड़े फ्राई करते वक्त उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में तेल रह जाएगा। अभी हमारा आटा तैयार है, मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप अपने चकली के ऊपर भी ये बना सकते हैं। हाथों के ऊपर थोड़ा सा तेल या तो फिर पानी लगा दे और इस तरह का वड़े का गोला तैयार कर ले। यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है जिसे मैंने भिगो लिया है, इसके ऊपर हम वड़े तैयार करेंगे। और मैं आज आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। मैं अभी यहाँ पर मीडियम साइज़ के वड़े तैयार कर रही हूँ, तो मैंने मीडियम साइज़ के सारे गोले तैयार कर लिए हैं, गीले कपड़े के ऊपर मैंने रखे हैं। अब उसके ऊपर हम और एक गीला कपड़ा रखेंगे और फिर एक कटोरी की मदद से इसे गोलाकार में फैला देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम समय में आप बहुत सारे वड़े इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको गीला कपड़ा नहीं रखना है तो आप प्लास्टिक के ऊपर भी इस तरह से गोले रख के ऊपर दूसरा प्लास्टिक रख के बड़े तैयार कर सकते हैं। ये जो साइड में क्रैक्स आई है इसे हम हाथों से थोड़ा सा जॉइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे बड़े तैयार कर लेंगे। जब भी आप इस तरह से बड़े तैयार करके रखें उससे पहले तेल को गर्म करने के लिए रख दें। इस मेथड से आप बहुत ही कम समय में बहुत सारी मात्रा में बड़े तैयार कर पाएंगे। तभी मैंने इतना बैच तैयार कर लिया है, तो ये बैच को पहले हम फ्राई कर लेते हैं। वड़े को आप बहुत ज़्यादा ना दबाएं, उसे बहुत पतला ना करें, लेकिन मीडियम थिक रहने दें। अगर आपने बहुत पतला कर दिया तो वड़े फिर फ्राई करते वक्त फूलेंगे नहीं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी वाला हाथ लगा देंगे और फिर एक प्लेट में हम तिल निकालेंगे और वड़े को ऊपर इस तरह से रखेंगे। हमने पानी लगाया था तो तिल इसके अंदर बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाएंगे। हाथों से इसे थोड़ा सा हम दबाकर तैयार कर लेंगे और वड़े को फ्राई करेंगे। इस तरह से तिल लगाना टोटली ऑप्शनल है। तेल अभी अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो हम एक के बाद एक वड़े इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अगर आप तिल लगाना नहीं चाहते हैं फिर भी जब भी आप वड़ा फ्राई करने के लिए रखें तो उसके ऊपर पानी वाला थोड़ा सा हाथ लगा दें। हमारा तेल बहुत गर्म होता है और उसके अंदर जब हम वड़े के ऊपर पानी लगाकर डालते हैं तो पानी की भाप बनती है और सारे वड़े बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि वड़े अभी कितने अच्छे फूलकर तैयार हुए हैं। जब भी आप वड़ा फ्राई करने के लिए डालें तब गैस की फ्लेम को फास्ट रखें और जब सारे वड़े डाल दें तो फिर गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दें। अगर आपका तेल ज़्यादा ठंडा होगा तो आपके वड़े अच्छी तरह से फूलेंगे नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वड़े ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए सारे वड़े अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आपको वड़े इस तरह से उलटते पलटते हुए ही फ्राई करना है ताकि वड़े अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अभी हमारे वड़े जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के वड़े भी फ्राई कर लेंगे। बस आपको ये बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप वड़े फ्राई करने के लिए डालें तो गैस की फ्लेम को हाई रखें और जब वड़े डाल दें तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। तो हमारे सारे वड़े अभी बनकर तैयार है जिसे मैंने दही के साथ सर्व किया है। आप इसे चाय या कॉफ़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये वड़े बाहर ही हफ्ते भर तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। मैं भी यहाँ पर आपको एक वड़ा तोड़कर बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे जो वड़े हैं वो कितने अच्छी तरह से फूले हैं, अंदर से वो सॉफ्ट है और क्रिस्पी भी है। तो मेथी बाजरे के वड़े की ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना ना भूले। आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको
ऐसी नई नई रेसिपी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे।